दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स के ज्ञान पर। दोस्तों आज है 28 अगस्त, एक बार फिर से हम आपके लिए 6 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आए हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसीज है, मेल फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। 2 भर्ती इनमें ऐसी निकली है जिनके लिए आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना होगा। जी हाँ दोस्तों, पुलिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत, बिजली विभाग के अंतर्गत और भी अन्य विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है। 10वीं 12वीं डिग्री, डिप्लोमा और भी अन्य क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं आज की 6 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, बिजली विभाग के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, सहायक समीक्षा अधिकारी और असिस्टेंट अकाउंटेंट सहायक लेखाकार की वेरियस वैकेंसीज है। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर ARO के लिए 36,800 सेल लिया है Level 6 के अंतर्गत। असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए 29,800 से 94,300 Level 5 के अंतर्गत सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 40 वर्ष आयु सीमा है। जनरल OBC WS के लिए ₹1,000 शुल्क है। SST कैटेगरी के लिए जो UP स्टेट के हैं उनके लिए ₹700 शुल्क है। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और SBI चालान से कर सकते हो। सिलेक्शन होगा ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के आधार पर, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। UP उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। upenergy.in/uppcl इस पोर्टल से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे 9 सितंबर 2020 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 29 सितंबर 2020 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी चालान के माध्यम से 29 सितंबर 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है पुलिस डिपार्टमेंट में, पुलिस विभाग के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, स्टेशन ऑफिसर और असिस्टेंट जेलर की वेरियस वैकेंसीज है। 16,880 सैलरी पर माह के लिए है। डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 25 वर्ष आयु सीमा है। जनरल OBC कैटेगरी के लिए ₹200 आवेदन शुल्क है। SST कैटेगरी को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। पेमेंट आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कर सकते हो। सिलेक्शन होगा प्री रिटर्न एग्जाम, फिजिकल टेस्ट, मेन रिटर्न एग्जाम और वाइवा वोस के आधार पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ओडिशा जॉब लोकेशन है, OSSC.gov.in इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 25 सितंबर 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है पब्लिक सर्विस कमीशन में, लोक सेवा आयोग PSC में भर्ती निकली है। पोस्ट असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की 210 वैकेंसीज है। लेवल 12 के अंतर्गत सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। इंजीनियरिंग डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 32 वर्ष आयु सीमा है। SST PWD जो ओडिशा के हैं उनके लिए कोई भी शुल्क नहीं है। ऑल अदर्स के लिए ₹500 शुल्क है। पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से ऑनलाइन कर सकते हो। सिलेक्शन होगा प्री रिटर्न एग्जाम, मेन रिटर्न एग्जाम और वाइवा वोस टेस्ट के आधार पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ओडिशा जॉब लोकेशन है, opsc.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 25 सितंबर 2020 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 25 सितंबर 2020 है। ऑनलाइन सबमिशन की लास्ट डेट 10 अक्टूबर 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में, हाल के अंतर्गत अप्रेंटिस विजिटिंग फैकल्टी मेंबर्स की भर्ती निकली है। 2000 वैकेंसीज है, सैलरी आप नोटिस से चेक कर सकते हो। डिग्री डिप्लोमा से आप अप्लाई कर सकते हो। आई और फीस की जानकारी भी आप नोटिस से चेक कर सकते हो। सिलेक्शन होगा टेस्ट इंटरव्यू के आधार पर, ईमेल से आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। alldesindia.co.in पोर्टल से आप इस भर्ती की बाकी की जानकारी चेक कर सकते हो। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 5 सितंबर 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में, BEL के अंतर्गत प्रोजेक्ट इंजीनियर की भर्ती निकली है। वेरियस वैकेंसीज है। 35,000 यहाँ से सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। BBTech बेस्ड इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 28 वर्ष आयु सीमा है। जनरल OBC WS के लिए ₹500 शुल्क है। SST PWD को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। पेमेंट आप SBI कलेक्ट से कर सकते हो। बिना एग्जाम की भर्ती है, मेरिट से चयन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। bl-india.in पोर्टल से आप ऑनलाइन कर सकते हो। लास्ट डेट एक्सटेंडेड कर दी गई है, जो 26 अगस्त थी उसको बढ़ाकर 29 अगस्त 2020 कर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों जो 6th और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है
वो निकली हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड में। HEC लिमिटेड के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है ट्रेनीज की, वेरियस वैकेंसीज है, इसीलिए आप नोटिस से चेक कर सकते हो। 8वीं 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 14 से 30 वर्ष आयु सीमा है। SST PWD को शुल्क जमा नहीं करना होगा। अदर्स OBC NCL और EWS को ₹750 शुल्क जमा करना होगा। पेमेंट आप चालान और बैंक डिमांड ड्राफ्ट से कर सकते हो। बिना एग्जाम की भर्ती है, मेरिट से चयन किया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। रांची झारखंड जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो। HECLTD.com ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप इस भर्ती का आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 29 अगस्त 2020 है। तो दोस्तों ये थी आज के यानी कि 28 अगस्त 2020 की टॉप 6 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको भिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन की PDF सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। लिंक यहीं पर प्रोवाइड किए गए हैं। आवेदन करने के लिए भी यहीं पर आपको लिंक दिए गए हैं। आप किसी भी भर्ती के लिए डायरेक्टली यहीं से आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी भी अपडेट अपलोड करते हैं।